देने से इंसान नहीं बदल जाता। What nonsense! हाँ, सुरेश मोदी और महेश अजमेरा एक ही इंसान है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इतना भोला बनने का नाटक मत करो तुम। कितनी बेशर्म हो तुम। बस बस बहुत हो गया। मैं कब से आपसे तमीज से बात कर रही हूँ और आप मुझ पर इल्जाम लगाती जा रही हैं। मैं आपको आपकी शादी का गिफ्ट देने आई थी, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। और आपको हिम्मत कैसे हुई महेश को अपना पति बुलाने की? क्योंकि वो मेरे पति हैं। सुरेश मोदी और महेश अजमेरा एक ही है, ये तुम जानती हो। उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर बनके सारी दुनिया के सामने मुझसे शादी की है। हमारी जोड़ी तो भगवान ने बनाई है और तुमने हाथ में मुझसे मेरा पति चुरा लिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या कमी है तुम में जो तुमने किसी की दूसरी बीवी बनना मंजूर कर लिया? जैसी औरत तो बस चाहता जी, बस चाहता जी। इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त की हद से गुजर जाऊं, चुप हो जाओ। दिमाग खराब हो गया है आपका, किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लो। उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर बनके सारी दुनिया के सामने मुझसे शादी की है। हमारी जोड़ी तो भगवान ने बनाई है और तुमने हाथ में मुझसे मेरा पति चुरा लिया। क्या कमी है तुम में जो तुमने किसी की दूसरी बीवी बनना मंजूर कर लिया? हाँ बस, मैं एयरपोर्ट बस अभी पहुंचने ही वाला हूँ। इसी वक्त घर आ जाओ। घर? लेकिन तुम तो एयरपोर्ट पे हो ना? महेश, इसी वक्त घर आ जाओ। से क्या हो? पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई हूं मैं, सच में पागल हो गई हूं मैं। माँ, 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 साक्षी, साक्षी, मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचा। अब क्या करूंगी? अब क्या करूंगी? अब क्या करूंगी साक्षी मैं? आप ऐसी बातें क्यों कर रही? हम सब है ना आपके साथ। माँ को याद है उस दिन लता के पति ने उसे मारा था? माँ आपने उसमें हिम्मत जगाई थी ना? इस पूरे घर की हिम्मत आप है माँ। आप हिम्मत कैसे हार सकती है? आप हिम्मत नहीं हार सकती माँ। मुझे हमेशा लगा था मैं तेरे पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो मुझे ये सब क्यों नहीं पता चला? उनकी दूसरी पहचान, उनकी दूसरी पत्नी, उनकी दूसरी दुनिया। साक्षी, तू जानती है मुझे तो उनके गुस्से में भी प्यार नजर आता था। अब जब मैं सोचती हूँ उनका वो नाराज होना, बात बात में मुझे नीचा दिखाना, अब मुझे समझ में आ रहा है वो मुझसे कितनी नफरत करते थे, कितनी नफरत करते थे वो मुझसे। नहीं माँ, माँ आपसे कभी कोई नफरत नहीं कर सकता। माँ आपसे कभी कोई नफरत नहीं कर सकता। नाम बदलने से इंसान नहीं बदल जाता। सुरेश मोदी और महेश अजमेरा एक ही इंसान है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो।
उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर पक्के सारी दुनिया के सामने मुझसे शादी की है। क्या कमी है तुम में जो तुमने किसी की दूसरी बीवी बनना मंजूर कर लिया? कल तुम्हारा ऑफिस देखने चले? ऑफिस? ऑफिस में तो रेनोवेशन चल रही है ना। मैं खुद भी नहीं जा पाता वहां पर, तो आजकल मेरा कोई ऑफिस ही नहीं है। कल शाम को मैं अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी में जा रही हूँ। आई रियली वॉन्ट कि तुम भी साथ आओ। पल्लवी, बहुत अर्जेंट काम आ गया है इसलिए पुणे जाना पड़ रहा है। वो जो रिसेंटली तुम्हारी फ्रेंड बनी है शारदा जी। हाँ शारदा, तुम दोनों की क्या क्या बातें हुई? ये शेरवानी क्यों पहन रखी है? वो मेरा एक दोस्त है, उसके बेटे की रिंग सेरेमनी थी। गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके ऊपर ट्रस्ट करूं, अपने जिंदगी भर के साथ पर या उस दो दिन पहले मिली उस औरत की बात पर। लवी, व्हाट इज दिस? तुम वापस घर पर क्यों आ गई? मैं तो बस एयरपोर्ट 2 मिनट में पहुंचने ही वाला था। क्या हुआ पल्लवी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जब मैं शारदा मोदी के घर शादी में गई तब तुम कहां थे महेश? कब? जब तुम्हें चेस्ट पेन हुआ था। ओ हाँ, अरे तब तो मैं घर पर ही था, और फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया था। राइट, अब क्यों? प्रिस्क्रिप्शंस दिखाओ। व्हाट? मुझे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस दिखाओ महेश। पल्लवी, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है कहाँ रखे प्रिस्क्रिप्शंस? डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। मिस्टर सुरेश मोदी, तुम्हें कोई चेस्ट पेन नहीं हुआ था। ये तो तुम्हारा प्लान था, बहाना था मुझे वापस भेजने का, क्योंकि उस वक्त तुम शारदा मोदी के घर में थे, तुम्हारी और शारदा मोदी की शादी हो रही थी फिर से। कह दो ये सब गलत है, कह दो शारदा मोदी झूठ कह रही है, कह दो तुम्हारी पहली पत्नी नहीं है, कह दो महेश, कह दो महेश। अब तुम्हें किस नाम से बुलाया जाए ये भी नहीं पता, महेश अजमेरा या सुरेश मोदी। तुम्हारी कौन सी जिंदगी असली है, कौन सी पहचान असली है, कौन सी पत्नी असली है? मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो मुझे अभी। ये गलत है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये सच है, मेरी पहली पत्नी तुम हो। शारदा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक समझौता था। मुझे ये सब कुछ अपने परिवार के दबाव में आकर करना पड़ा, और कानूनी तौर पे भी अगर देखा जाए तो ये शादी जो मैंने शारदा के साथ की उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि मेरी पहली पत्नी तुम हो। पल्लवी, मुझे ये सब कुछ तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैं डर गया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था पल्लवी। Just leave. आज समझने की कोशिश। I said leave from here. शारदा,
शारदा के लिए मेरे दिल में कोई जगह कोई प्यार नहीं है। महेश अजमेरा और सुरेश मोदी की दोहरी पहचान तले मेरी अपनी पहचान दम तोड़ रही थी। वो पहचान जो सिर्फ तुमसे है पल्लवी। आई नो मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूं पल्लवी, और ये झूठ नहीं है। बस करो महेश, इस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जा तू। जस्ट गो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। लेकिन मैं अपनी सच्चाई का सबूत लेकर वापस आऊंगा पल्लवी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं, और मेरे बिना तुम अकेले जी नहीं पाओगी। उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर के सारी दुनिया के सामने मुझसे शादी की है। मेरी पहली पत्नी तुम हो। हमारी जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। I know, मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। क्या कमी है तुम में जो तुमने किसी की दूसरी बीवी बनना मंजूर कर लिया? प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ पल्लवी। तुम जैसी औरत तो लतिका, आज मीटिंग थी ना, कैसी रही? दिया, अंदर चल के पढ़ाई करते। मीटिंग हो गई, मैं गया था। चलो, कोई तो है जिसे मेरी आवाज सुनाई दे रही। बाकी सब तो अब आपसे बात करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचा। मैं दोबारा वो सब कुछ फिर से शुरू नहीं करना चाहता। Do you understand? बातें खत्म ही कहां हुई थी जो फिर से शुरू की जाए। अभी तक हम में से कोई भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। दादी तो अब तक ये नहीं समझ पाई है कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। चिराग घर छोड़ के दोस्तों के यहां चला गया। मैं, लतिका दी, साक्षी, हम लोग तो चाहकर भी नहीं टूट सकते, क्योंकि अगर हम टूट गए तो मॉम को कौन संभालेगा? और मॉम, वो बेचारी तो कब से रो रही है एक ऐसे इंसान के लिए जो उसके आंसू भी डिजर्व नहीं करता। करण, ये मत भूलो कि इस समय तुम मेरे घर में खड़े हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो। जस्ट गिव इट अ थॉट। Love. I love you too. महेश ने गलती की है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और शायद इसी प्यार की वजह से वो आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। उनकी दूसरी शादी जरूर किसी दबाव में हुई है। वो शारदा से प्यार नहीं करते, लेकिन शायद
शारदा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो जबरदस्ती महेश को अपनी जिंदगी में बांध कर रखना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं शारदा को बताऊंगी, दूसरी पत्नी मैं नहीं, वो है। उसने भले ही मेरे महेश के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया हो, लेकिन कानूनी तौर पे वो सिंदूर उसकी पहचान नहीं है। वो पल्लवी मैडम के हस्बैंड मिस्टर अजमेरा हैं। मां पल्लवी से मिल चुकी हूं, तो मैं आप ही से पूछती हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता है? जिस गंवार औरत के साथ मेरा कोई मेल ही नहीं, उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार? शारदा, अगर तुम उस बात को लेकर यूं बैठ जाओगी तो पूरा घर बिखर जाएगा। तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी तुम्हारा हूं, हमारे बच्चे, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है। जो चीजें जैसे पहले चल रही थी बिल्कुल वैसी ही चलती रहेंगी। तुम मिसेस मोदी हो और मिसेस मोदी ही रहोगी। मुझ पर और मेरी हर चीज पर तुम्हारा जितना हक है उतना ही रहेगा। And I will see to it कि तुम्हें जिंदगी भर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। जब सब कुछ वैसा ही है तो फिर तुम भी मेरी वही पुरानी शारदा बन जाओ ना, क्योंकि क्योंकि शारदा मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। प्लीज शारदा। करण, इतनी रात में कौन आया? चली जाइए यहां से, प्लीज। अपनी मां को बुलाओ। क्या अभी भी इस फैमिली को तबाह करने में कोई कसर बाकी रह गई है? अब क्या लेने आई हैं आप? क्या दे सकते हो तुम? है ही क्या तुम्हारा? बाकी चीजें तो छोड़ो, तुम्हारे नाम पर भी कानूनन तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्या है मॉम? पल्लवी की शादी मेरी शादी से पहले हुई थी। माँ क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रही? कहिए ना कुछ माँ। गॉड, ये तो। और ये भी तुम सबके लिए, ताकि और कोई सवाल बाकी ना रहे।
कोर्ट में जाना हो जाओ, जिस मंदिर में पुकार लगानी है लगाओ, लेकिन इस सच को कोई नहीं बदल सकता क्योंकि कानूनी तौर पर महेश सिर्फ मेरे पति हैं।